टेक्निकल प्लेयर रहता है उनको उस पिच के बारे में अच्छा से पता रहता है, बाहर के प्लेयर को इतना अच्छा से पता नहीं रहता है। तो लोकल प्लेयर को हमेशा टीम इलेवन में पिक करना चाहिए। बड़ा बड़ा प्लेयर हो गया आपका, सबसे बड़ा हो गया ब्रेविस को ले लीजिएगा, टॉम बेंटन को ले लीजिएगा, रसी पीटरसन को ले लीजिएगा, यहाँ से एम आई कैप्टन से जो भी लेना चाहता है, ठीक है। आपका थॉमस कबीर, ठीक है, ये साउथ अफ्रीका का ही प्लेयर है। उसके बाद खगिसो रबाडा अच्छा है, राशिद खान तो साइड प्ले नहीं करेगा इंडिया का, आपका अफगानिस्तान का जो स्क्वाड जो कल से साइड है 11 जनवरी से मैच है तो वहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। वरुण हेनरिक्स टॉप क्लास है, ये आपको पता ही है, ठीक है। ओली स्टोन, जोफ्रा आर्चर इंजरी है, ये नहीं खेलेगा, ठीक है, इसको नहीं लेना है टीम इलेवन पे। सेम करन प्ले करेगा, लिविस्टन तो आपको पता ही है, ठीक है, आते ही ये बॉल नॉट रनियर्स का कैंडिडेट है, कहीं से भी कोई भी मैच जिता सकता है, ठीक है, कैपेबिलिटी है, लेकिन फिलहाल फॉर्म में तो नहीं था। अगर अच्छा खेलता तो अच्छा बात है, जो मेरा ओपिनियन रहता है मैं वही रखूँगा, बाकी आपका मर्जी, ठीक है। जॉर्ज लिंडा बॉलिंग अच्छा करता है, स्पिन बॉल, और ये द्वेन जैक्सन, ठीक है। तो टीम एक ठीक ठाक है, एवरेज है, ठीक है। अगर हाँ, रबाडा, रशीद खान, वरुण हेनरिक्स, ठीक है, सेम करन, ये सब खेलता है तो टीम अच्छा है, ठीक है, मतलब इतना खास भी नहीं बोलूँगा, टीम एवरेज है, ठीक है। एवरेज टीम का मतलब हो गया 160, 65, 70 ही सब रहेगा, 70 तक ही रहेगा। साउथ अफ्रीका में अमूमन इतना रन बनता नहीं है, 160, 70, 75 ये यहाँ पर रुक जाता है। अगर 170-80 बना तो मैच डिफेंड होने का ज़्यादा चांस रहता है, ठीक है। और ये डर्बन सुपर जायंट्स का देखिए, क्विंटन डिकॉक, ठीक है, टॉप क्लास का प्लेयर आपको पता ही है। क्विंटन डिकॉक बीबीएल पे खेल रहा है तो नहीं खेलेगा। वन ऑफ रजपक्का ये खेलेगा, कैल्सन खेलेगा, और इसमें ब्रिज तक ये भी खेलेगा, निकोलस पोंटो खेलेगा ही, ठीक है। तो ये हो गया टॉप क्लास, ठीक है। रजपक्का तो फॉर्म में नहीं है तो टॉप क्लास का तब भी है। अगर क्विंटन डिकॉक आ जाता है तो ये बैटर में ये 5 अगर प्ले करता है, ठीक है। और यहाँ पर नबीनुल्ला हॉक, ठीक है, केशव महाराज तो प्ले करेगा ही, मधुशंका नहीं है, फिलहाल नहीं आएगा क्योंकि श्रीलंका और आपका जिम्बाब्वे का मैच चल रहा, ठीक है। जूनियर डाला प्ले कर लेगा आपका, यहाँ से रोहन पटेरिया, काइल मार्स आपको पता ही है, बॉलिंग भी करता है, बैटिंग भी करता है, ठीक है। वेन मालदार टॉप क्लास का ऑलराउंडर है, जॉन जॉन स्मिथ टॉप क्लास, ये स्पिन बॉल करता है जॉन जॉन स्मिथ, टीम ठीक ठाक है। अगर ये टीम चेस में आता है तो टीम सही प्ले करेगा, ठीक है, अगर सब सही से खेलता है। कोई देखो इतना तो कीपर लेने का सेंस ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि कोई भी लीग पे 4 ही फॉरेन प्लेयर खेलता है, ठीक है। तो यहाँ पे इतना फॉरेन का प्लेयर लेना, ठीक है, साउथ अफ्रीका का ये क्विंटन डिकॉक तो खेलेगा ही, कैल्सन रहेगा, बीच तक रहेगा, ठीक है। एक हो गया निकोलस पोरन, उसके बाद काइल मार्स तो खेलेगा ही, कीमो पॉल साइड खेले, ठीक है, कीमो पॉल आ सकता है, कलिए बॉट तो नहीं खेलेगा क्योंकि ये बॉलर मुझे अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। कि कोई भी बॉलर टेस्ट में चेक कर अगर खेलेगा, जैसे ईशान शर्मा, ठीक है, ईशान शर्मा आईपीएल खेलने से वो कुत्ता का जैसे उसको मार देता है, ठीक है, कभी कल अच्छा स्पेल डाल देता है, नहीं तो पिटना ही, मतलब पिटाई ही ज़्यादा गिरता है। तो आपको दुर्बन सुपर जाए आपको जीतते हुए मिलेगा, ठीक है, हाँ, चेस में आपको अच्छा मदद करेगा, पैसा बन जाएगा आपको, ठीक है। और आपको यहाँ से पैरेलल रॉयल्स का देखिए, लॉर्कन टूकर, ठीक है, डेविड मिलर, जॉस बटलर, जैसन रॉय, ड्वेन विलास, ठीक है, उसके बाद ट्रेवेन बरून, डेयर पेटोरियस, ठीक है, तो ठीक ठाक है, ठीक है। डेविड मिलर टॉप पे जानती ही है, ठीक है, जॉस बटलर तो आपको अब जानती ही हो, ठीक है, जॉन टर्नर, ठीक है, नहीं खेलेगा जॉन टर्नर, ठीक है, मुझे नहीं लगता है। यहाँ पे ओबिट मकई प्ले कर लेगा, तजबर समझी आ जाएगा, लुंगी आ जाएगा, ठीक है, विजन फॉर्चून आ जाएगा, स्पिन बॉल करता है, उसके बाद वैन लोबी आ जाएगा, ऑलराउंडर पे अच्छा है, उसके बाद फेविन एलिन को याद रखिएगा, कहीं से भी मैच घुमा सकता है। मान लीजिए आखिरी 10 बॉल पे 20 चाहिए तो आप सोच लीजिएगा, फेविन एलिन है तो बन सकता है, ठीक है। और दूसरा टीम देख लेते हैं हम लोग, पेट्रोल कैपिटल, ठीक है, क्या क्या टीम का नाम है भाई, ठीक है। पोलिंग स्टिलिंग फिलहाल फॉर्म में नहीं है, बॉल नॉट का कैंडिडेट मिल जाएगा आपको, आते ही बल्ला घुमाता है, ठीक है। बेरनी तो अच्छा प्लेयर है, ठीक है, तो ये तो टेस्ट मैच में भी खेला था, इतना खास रन नहीं है इनका। रोलिडसो टॉप क्लास है, कॉलिन इंग्रम आपको पता ही है टॉप क्लास, उसके बाद बरून, ठीक है, विल जैक,
विल जैक इंग्लैंड में अच्छा प्ले करता है, यहाँ पे देखना पड़ेगा साउथ अफ्रीका भी कैसे प्ले करता है। ठीक है, डेट सवाल अच्छा ही है। ड्राई डुप्लीवियन डुप्लीवियन ठीक है, और पेटोरियस एम पेटोरियस ठीक है, नोकिया एडिलोसिट वो नोकिया एडिलोसिट को पता ही है, इथन बॉस ठीक है, केविन बॉस ठीक है, मैट वोस्ट, जिमिनिसम जिमिनिसम तो टॉप क्लास है फिलहाल, अभी जो आपका मैच हुआ था बांग्लादेश और न्यूजीलैंड का उस पर अच्छा परफॉर्मेंस किया था, अच्छा बैटिंग किया था ठीक है, एंड में आकर अच्छा बैटिंग किया था, सबको तो जिमिनिसम को टीम इलेवन में पिक करना है। और टीम ठीक ठाक है, एवरेज टीम है ठीक है, इतना खास नहीं है क्योंकि आपको नोकिया प्ले करेगा ठीक है, आदिल रशीद प्ले करेगा, दो बॉलर हो गया है ठीक है, यहाँ से जिमिनिसम आ जाएगा ऑलराउंडर तीन बॉलर। जिमिनिसम एक बार याद रखना लीग मैच में जिमिनिसम का पिटाई गिरता है ठीक है, अपना देश के लिए खेलने से बच जाता लेकिन लीग में पिटाई गिरता है ठीक है। तो ये एवरेज टीम है, ठीक ठाक है, इतना खास भी मुझे नहीं लगा टीम ठीक है। हाँ आपको हाँ चेज भी कर सकता है ये टीम, डिफेंड भी कर सकता है, दोनों ही कर सकता है ठीक है। और दूसरा टीम तो ये तो हो गया S20 का फिक्चर ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। और सनराइजर्स ठीक है, सनराइजर्स का तो ये टॉप क्लास मुझे टीम लग रहा है ठीक है, नेक्स्ट ईयर का ये फाइनलिस्ट था, फाइनल जीता हुआ था। मकरम ये टॉप क्लास का है, डेविड मलान टॉप क्लास है, डस्टिन स्टाबो टॉप क्लास है, टीम है वो, इसको बॉलर ट्रेनेस करना है। उसके बाद हरमन ठीक है, अच्छा ही है ठीक है, आदम हुसैन तो ये ठीक ही है, इसको मैं नहीं जानता हूँ, केलेब सलीक का ये ठीक ही है, वर्तमान ठीक ही है ये, इसको नहीं जानता मैं, हाँ सबसे मंगला ये साउथ अफ्रीका का तेज बॉलर है ठीक है, पहले कुछ मैच खेला था उसके बाद से गायब हो गया तो दिखाई नहीं दिया बॉलर पे ठीक है। सीमन हमीर ठीक है, चिरागो बटन ओलियो बिटन है, चिरागो बटन लगता है दोनों भाई ही है ठीक है, तो ये चिरागो बटन है तो ये प्ले करेगा ठीक है। उसके बाद मार्को जेंसन आपको बताया, बैटिंग बॉलिंग ऑलराउंडर, टॉम एबेल प्ले करेगा ही, आदिल सिमन अभी देखना पड़ेगा इनमें से कौन कौन सा मतलब प्लेयर प्ले करता है, एक दो मैच होने के बाद ही पता चलेगा कि कौन सा टीम कैसा है ठीक है। तो देखिए मुझे इनका टीम तो इतना कुछ खास लगा नहीं ठीक है, तो ये मान के चलो एक ठीक ठाक टीम है ठीक है। हाँ मतलब नेक्स्ट ईयर का फाइनलिस्ट है, ऐसा तो नहीं है कि भाई एक ही टीम हर बार फाइनल जीते ठीक है, तो ठीक ठाक टीम लगा है लेकिन वो मैच देखने के बाद ही पता चलेगा कि कैसा ये लोग प्ले करता है ठीक है। तो आखिरी टीम हम लोग देख लेते हैं जोहानिसबर्ग ठीक है, तो जोहानिसबर्ग में देखिए आपका वेन मेडिशन ठीक है, फैफ डुप्लेसी टॉप क्लास है, डुपोलो भी टॉप क्लास है, आपका आपका रिजा हेंड्रिक्स ठीक है, तो सब ये सब आपका रोहन हरमन ठीक है। तो देखिए ये जितना भी प्लेयर है ठीक है, इसमें से फब डुप्लेसी ठीक है, रिजा हेंड्रिक्स डुपोले ठीक है, तो ये तीनों प्लेयर फिलहाल डोमेस्टिक प्ले करके आ रहा है ठीक है, सिर्फ डुप्लेसी को छोड़ दीजिएगा, डुप्लेसी को बाकी सब प्ले करके आ रहा है। उसके बाद रोमियो सिफोर्ट ठीक है, रोमियो सिफोर्ट ये अच्छा एक ऑलराउंडर मिल गया है ठीक है, बॉलिंग बैटिंग ये तो ऑलराउंडर में क्यों नहीं डाला है पता नहीं, तो ये बॉलिंग भी करता है बैटिंग भी करता है ठीक है, आखिरी में ये बहुत ही मतलब लॉन्ग हिट लगा सकता है। जब इंग्लैंड आपका वेस्ट इंडीज गया था तो रोमियो सिफोर्ड अच्छा बैटिंग कर रहा था ठीक है, आखिरी में आके इसका जहीर खान अफगानिस्तान का ठीक है, तेज बॉलर है जहीर खान, उसके बाद सैम क्लॉक ये तो नहीं खेलेगा ठीक है, विलियम्स खेल सकता है या बैटिंग कर सकता है हल्का फुल्का ठीक है, अरोन फंगसो बैटिंग कर सकता है, उसके बाद ऑलराउंडर मोइन अली तो प्ले करेगा ही डेविड से ठीक है। तो ये टॉप क्लास का टीम मतलब मुझे जोहानिसबर्ग टीम थोड़ा सा अच्छा लग रहा है क्योंकि बॉलिंग बैटिंग ऑलराउंड में देखो मोइन अली है, डेविड हुसैन है ठीक है, दोनों ही कर सकता है, जोहर खान कर सकता है, उसके बाद रोमियो सिफोर्ड भी बैटिंग कर सकता है, आपको देखना है बॉलर पे कौन सा बैटिंग ज़्यादा कर सकता है, तो टीम इलेवन में लेने के लिए आपको रोमियो सिफोर्ड मोइन अली डेविड हुसैन ठीक है, फैब रिजा हेंड्रिक्स, तो मुझे इसमें से टॉप टीम कौन सा लगा मैं बता रहा हूँ ठीक है। मुझे टॉप टीम सबसे बेहतरीन टीम मुझसे पूछोगे तो कोई मुझे ये टीम लगा ठीक है,
दुर्बन सुपर चेंज, आप पूरा लीग में इसका साथ ले सकते हो, आपको जीतते हुए मिलेगा, ठीक है, जीतते हुए मिलेगा। टॉप क्लास बैटिंग, टॉप क्लास बॉलिंग, कमी तो है, मुझे लग नहीं रहा है, ठीक है, बॉलिंग बैटिंग ऑलराउंडर भी सबसे सबसे ज़्यादा ऑलराउंडर इस टीम पे ही है। तो आपको देखिए वीडियो भी लंबा हो चुका है, ठीक है, 11 मिनट का वीडियो हो चुका है। तो देखिए मुझे टीम अच्छा लगा है दुर्बन सुपर जायंट्स, ठीक है, बाकी मेरा जो एनालिस था मैंने वो कर दिया, और बाकी जो भी मैं मतलब लाइव देखने के बाद जो भी बोलूँगा आप लोगों को वो मैं टेलीग्राम चैनल पे ही बोलूँगा, यहाँ पे मैं इतना खोल कर नहीं बता सकता हूँ। आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और वीडियो यहाँ पर समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ, और एक दो वीडियो बनाना है और देखता हूँ।